प्यारे विद्यार्थियों, अज का साडा टॉपिक है दसवीं जमात का पहला लेसन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रसायनिक क्रियावां अते समीकरण। मैं संतोख सिंह, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगतपुर जट्टा हाँ, थोड़े नाल अच इस चैप्टर दे प्रश्न उत्तर डिस्कस करांगा। उन्हां बारे आपां जानकारी प्राप्त करांगे। पहला प्रश्न है बच्चों, परिवर्तन किन्नी तरह दे हुंदे हन? प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहे हैं, परिवर्तन किन्नी तरह के होंगे हन? परिवर्तन बच्चों दो तरह के होंगे हन, भौतिक परिवर्तन अते रसायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होंगे हन जिस विच वस्तु के भौतिक गुणों विच परिवर्तन आता है, भाव इन्हां विच कोई नवे गुणा वाला पदार्थ नहीं बनता। बहुत सारिया उदाहरणा हैं जिमें शीशे का टुटना, मोम का पिघलना, कागज का फटना। यह सारिया वो उदाहरणा हैं जिन्हां विच किसी भी नवे पदार्थ का निर्माण नहीं होंदा। इस करके ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। दूसरे पासे रसायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होंदे हैं जिन्हां विच नवे गुणा वाले पदार्थ बनते हैं, जिमें कागज जलता है उस तो बाद राख बनती है, लोहे नूं जंगाल लगता है उस तो बाद की है एक नवा पदार्थ बनता है जंगाल। इसे तरीके नाल मोम का जलना, ये सारे वो परिवर्तन हैं जिन्हां विच कोई ना कोई नवे गुणा वाला पदार्थ बनता है, इसलिए ये रसायनिक परिवर्तन हैं। हुण बच्चों अगले प्रश्न ते पहुंचिए कि रसायनिक क्रियावां विच कौन परिवर्तन हो सकते हैं? जदों कोई रसायनिक क्रिया होंगी है उस विच कौन कौन परिवर्तन हो सकते हैं? हाँ जी बच्चों, पहला परिवर्तन है अवस्था विच परिवर्तन। उसकी अवस्था बदल सकती है, ठोस तो तरल, तरल तो गैस, गैस तो ठोस जां तरल, उन्हों कहने आपां अवस्था परिवर्तन। जिवें पानी का बर्फ विच बदलना, तरल तो ठोस अवस्था विच बदल गया है। दूसरा है बच्चों, उसके रंग विच परिवर्तन हो सकता है। लोहा जिहड़ा है तुहानू पता है थोड़ा काले रंग का हुंदा है, पर जदों उसनू जंगाल लगता है तां उसकी भूरे रंग की उहदे उत्ते परत जम जाती है, भाव रंग विच परिवर्तन हो गया है। तीसरा है बच्चों, कोई ना कोई गैस निकल सकती है। बहुत सारे परिवर्तन है जिन्हां विच गैस पैदा होंदी है, यह भी रसायनिक क्रिया विच परिवर्तन हो सकता है। जां फिर उसके तापमान विच परिवर्तन हो सकता है, जां तां तापमान वध सकता है जां घट सकता है। इस तरह ये चार परिवर्तन जिहड़े हैगे आ उन्हां बारे आपां डिस्कस कीता है। अवस्था विच परिवर्तन, रंग विच परिवर्तन, गैस दा पैदा होना जां निकलना ते तापमान विच परिवर्तन। आओ हुण इक आपां क्रिया करिए। इस क्रिया नूं ध्यान दे नाल बच्चों तुसीं देखना है, इस तों बाद इहदे बारे विच आपां डिस्कस करांगे। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਦਾ ਜਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ
जल रहा है ते नाल नाल तुसी देख रहे हैं ते धुआं भी निकल रहा है बहुत। ठीक है, हुण इह पूरी तरह जल गया है। हुण आपां इहदे नाल संबंधित प्रश्न पुछांगे। हुण बच्चो एक प्रश्न जिहड़ा आम तौर ते पुछया जांदा है पेपर विच भी कि मैगनीशियम रिबन नूं जलाउण तों पहलां रेगमर नाल साफ क्यों कीता जांदा है। असल विच की है बच्चो कि मैगनीशियम एक मैटल है, धात है। धातां क्रियाशील भी हुंदियां हन ते अक्रियाशील भी हुंदियां हन। मैगनीशियम एक अजिही धात है जो कि क्रियाशील धात है। जदों मैगनीशियम नूं खुले विच रखिया जांदा है तां इह हवा विचों ऑक्सीजन प्राप्त करके इस उत्ते एक मैगनीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिस करके की हुंदा है ये परत मैगनीशियम नूं जलन तो रोकती है। जे असीं मैगनीशियम रिबन नूं जलाउणा है तो इस परत नूं हटाउणा बहुत जरूरी है। इस परत नूं हटाउण दे लई फिर असीं मैगनीशियम रिबन नूं रेगमर दे नाल साफ करते हाँ। पहला उस उत्तों मैगनीशियम ऑक्साइड की परत हटा देंगे हाँ। तो फिर जदों असीं उस नूं जलावांगे जिवें तुसीं क्रिया विच देखिया है तो फिर वह पूरी तरह जल जाता है। मेरा ख्याल तुसीं इस क्रिया नूं चंगी तरह समझ लिया होगा। हुण बच्चों अगला प्रश्न है कि जदों लोहे की मेख नूं कापर सल्फेट के घोल विच डुबोया जाता है तो घोल का रंग क्यों बदल जाता है। ध्यान नाल देखो, इस विच कापर सल्फेट पहली परखनली विच पाया है तो मेख नूं डुबोया गया है। तुसी देख रहे हो कि दूसरी परखनली विच घोल का रंग नीले तो हरा हो गया है अते मेख दे उत्ते भी एक भूरा जिहा पदार्थ जम गया है। आओ इसका उत्तर जानन की कोशिश करिए। असल विच की हुंदा है बच्चों कि धातां की अपनी एक क्रियाशीलता लड़ी हुंदी है। बहुत सारिया धातां वध क्रियाशील हैं, उस तो बाद फिर घट क्रियाशील, उस तो भी घट, एंड दे विच इहो जिहियां धातां भी हैं जिहड़ियां बिल्कुल क्रिया नहीं करदियां। हुण जदों लोहे की मेख नूं कापर सल्फेट के घोल विच डुबोया जाता है तो उसका रंग बदलिया है, तुसीं भी देखिया है। कापर सल्फेट का अपना घोल अपना रंग नीला हुंदा है क्योंकि लोहा कापर तो तांबे तो वध क्रियाशील है। इस करके वध क्रियाशील धात घट क्रियाशील धात नूं उसदे कोल विचों विस्थापित कर दिंदी है। इस नाल की हुंदा है कि लोहा कापर सल्फेट दे कोल विचों कापर नूं बाहर कढ दिंदा है ते आप उसकी जगह लै लैंदा है अते आयरन सल्फेट बन जाता है। तुसी थले समीकरण भी देख रहे हो, लोहा प्लस कापर सल्फेट की बनिया, आयरन सल्फेट प्लस कापर। लोहे ने की किया, कापर नूं कापर सल्फेट दे कोल विचों बाहर कढ दिता ते आप उसकी जगह ले ली ते फेरस सल्फेट जां आयरन सल्फेट बन गया जिसका रंग हरा हुंदा है। अते नाल ही वो कॉपर जो घोल विचों बाहर निकलिया सी वो मेख उत्ते जम गया जिस नाल मेख का रंग भूरा हो गया है। मेरा ख्याल तुसी इस क्रिया नूं चंगी तरह समझ गए होवोगे। हुण बच्चों रसायनिक प्रतिक्रमा क्रियावां दीआं कीड़ियां कीड़ियां किस्मां हुंदियां हन उन्हां बारे आपां डिस्कस करांगे।
छे तरह दियां क्रियावां मैं इत्थे लिखियां हां, संयोजन क्रिया, कॉम्बीनेशन रिएक्शंस, अपघटन क्रिया, डीकंपोजिशन, विस्थापन क्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दूरा विस्थापन क्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आक्सीकारक क्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, लघुकारक क्रिया, रिडक्शन रिएक्शंस। आओ आपां इन्हां सारियां क्रियावां बारे एक एक करके जानकारी प्राप्त करिए। आपां संयोजन क्रिया बारे जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों इस क्रिया नूं बहुत ध्यान नाल देखना है तुसीं। ये दो पदार्थ अपने कोल हन, ए अते बी। ये दो पदार्थ जदों आपस विच मिलते हैं तो फिर की बनता है बच्चों, ए बी इकट्ठा हो गया, कंबाइन हो गए, जुड़ गए। जिवें नीचे देख रहे हो तुसीं, ए प्लस बी बराबर ए बी, ये हुण जुड़ गए, इन्हां दा संयोजन हो गया। एग्जाम्पल दिती है आपां, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरस प्लस ऑक्सीजन, फेरिक्स ऑक्साइड बनया है, आयरन ऑक्साइड बनया है। यह संयोजन क्रिया है, दोनों ने जुड़ के, दोनों का जुड़ के की होया है, संयोजन होया है, कॉम्बीनेशन होया है। इसनों हुण आपां बैलेंस भी किया है, संतुलित किया है, क्योंकि समीकरणों नूं संतुलित करना बहुत जरूरी है। अगली एग्जाम्पल है मैगनीशियम अते ऑक्सीजन आपस विच मिलके की बनया है, मैगनीशियम ऑक्साइड। समीकरण थले देखो, Mg प्लस O2 किहदे बराबर है, MgO। इसनूं आपां हुण बैलेंस भी करना है, Mg दे मूहरे दो अते MgO दे मूहरे दो लग के ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई है। ये की है बच्चों, मैगनीशियम रिबन जिहड़ी तुसीं पहला भी देखी सी, मैगनीशियम रिबन नूं हुण ऑक्सीजन दे नाल हवा विच भाव आपां गर्म किया, ये भी कैड़ी क्रिया है, संयोजन क्रिया है बच्चों, क्योंकि मैगनीशियम ते ऑक्सीजन आपस विच जुड़ के की करते हैं, मैगनीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये मैगनीशियम ऑक्साइड है जो तुसी थले वाइट रंग का चमकदार रंग देख रहे हो। ये कुछ क्रियावां हैं जिन्हां नूं आपां ध्यान विच रख सकते हाँ कि यह संयोजन क्रियावां हैं जां अपघटन क्रियावां हन, जां कड़ियां क्रियावां हन, विस्थापन क्रियावां हन, जां दूरा विस्थापन क्रिया है। आओ अगली क्रिया बारे समझन की कोशिश करिए। एक क्रिया है बच्चों अपघटन क्रिया, डीकंपोजिशन। इस क्रिया नूं बच्चों ध्यान दे नाल देखो, बिल्कुल ध्यान ना बच्चों समझना है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन क्रिया, केड़ी क्रिया अपघटन क्रिया किसनू कहते हैं, जिस विच एक जौगिक दो जां दो तो वध पदार्थां विच टुटदा है। देखो बिल्कुल बच्चों ध्यान नाल समझना, ए बी किहड़े दो पदार्थां विच टुट गया, ए अते बी विच, इस करके इस नूं असीं अपघटन टुटना। हुण आपां एक एग्जाम्पल लैंदे हां, इह की है बच्चों जो तुसीं स्क्रीन दे उत्ते देख रहे हो, फेरिस सल्फेट, आयरन सल्फेट, इसका रंग किहड़ा है, हरा है बच्चों, इसका रंग हरा है, ध्यान नाल देखना है बच्चों। हुण आपां एक स्टैंड लैके एक परख नली विच इस फेरिस सल्फेट नूं पावांगे अते उस नूं गर्म करांगे। ध्यान नाल देखना सारे ने, फेरिस सल्फेट आपां पा रहे हां और
बर्नर नू आपां जला के इस नू गर्म किया है। हुण तुसीं बहुत ध्यान नाल इस परखनली वाला देखना है बच्चों। देखो एक कुछ गैस निकल रही है, कुछ धुआं निकल रहा है, अते फेरे सल्फेट का रंग भी चेंज हो रहा है, चिट्टा बन रहा है, क्योंकि फेरे सल्फेट विच मौजूद रवियां दा पानी खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है, नाल नाल गैस भी निकल रही है। ध्यान नाल तुसी देख रहे हो, सारे बहुत ही ध्यान नाल देखो बच्चे। हुण उसका रंग किस तरह का हो गया है, भूरा हो गया है, चिट्टे तो फिर भूरा हो गया है, क्योंकि यह फेरिक ऑक्साइड बन गया है। समझ रहे हो बच्चों? ते केड़ी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड अते सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैसा इस विचों निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड अते सल्फर ट्राइऑक्साइड। बिल्कुल ध्यान नाल बच्चों इसनू देखना है। इन्हां गैसा नू आपां कदी भी सुंघन की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इन्हां दी स्मैल बहुत ही बदबूदार हुंदी है, जिस तरह कोई चीज सड़ी हुई होवे, गली हुई होवे, जिस तरह अंडे सड़े हुए होन जां गले हुए होन, उस तरह दियां। ते नाल ही ये गैसां बच्चो जहरीलियां भी हुंदियां हन। दीज गैसेज आर टॉक्सिक। ये गैसां जहरीलियां होन करके सन इन्हां नू कदे भी सुंघना नहीं है। इस करके जदों भी एक्सपेरिमेंट करना है, अपने मुंह ते मास्क लगा के रखना है। ठीक है बच्चो, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जिहड़ा है ये तुसी देख लिया है, इस नू ध्यान दे नाल समझ लेना है। आओ बच्चो, ये है विस्थापन क्रिया। इस नू क्रिया नू भी तुसी ध्यान नाल देखना है बच्चो। ध्यान नाल देखो, एक परख नली विच एक घोल पाया होया है जिसका रंग नीला है, एक मेघ आपां लै रहे हां, तुसी देख रहे हो कि मेघ बिल्कुल साफ है। उस मेघ नू आपां इस घोल विच जो परख नली विच कॉपर सल्फेट का घोल है उस विच पा दिता है। थोड़ी देर बाद आपां उस मेघ नू जदों कढ़दे हां, तुसी देखोगे कि जिहड़ी मेघ बिल्कुल साफ सी उसके उत्ते भूरे रंग की परत चढ़ गई है। ये क्यों होया है, इस नू जानने की कोशिश करते हाँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि जिवें मैं तुहानू पहला भी दस्या सी बच्चों कि धातां की अपनी रिएक्टिविटी है, कुछ धातां वध क्रियाशील हैं, कुछ घट। हमेशा वध क्रियाशील धात जिहड़ी है घट क्रियाशील नू विस्थापित करेगी। मैटल वन सल्फेट प्लस मैटल टू, फिर मैटल वन ते मैटल टू सल्फेट बन गया। जिवें बिल्कुल एक एग्जाम्पल मैं तुहानू दे दिन्ना बच्चो, कदी कदी तुसी फुटबॉल का मैच देखा है, उहदे विच तुहानू पता है कि कदी कदी खिडारियों नू रिप्लेस करते हैं, कि जिहड़ा खिडारी चंगा नहीं खेडता उसनू की किया जाता है, दूसरे खिडारी दे नाल रिप्लेस कर दिता जाता है। क्योंकि वध क्रियाशील खिडारी जिहड़ा है, भाव वध वधिया खेडण वाले खिडारी नू अंदर भेज दिता जाता है ते घट वाले नू बाहर कढ़ दिता जाता है, वह भी डिसप्लेसमेंट है बच्चो। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन बराबर कहते हो गया कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। इस तरीके नाल आयरन ने कॉपर सल्फेट के घोल विचों कॉपर नू बाहर कढ़ दिता ते आप उसकी जगह लै ली है। ये की है बच्चो, विस्थापन क्रिया। जिवें तुहानू फुटबॉल के मैच की एग्जाम्पल दिती है, उसनू भी ध्यान नाल समझना है। ये तुहाडे सामने समीकरण अते आयना दे हिसाब नाल तुहानू जिहड़ा हैगा उह समझाया जा रहा है। इसनू ध्यान नाल बच्चो स्क्रीन ते देखना है। मेरा ख्याल तुहानू विस्थापन क्रिया जिहड़ी है वह चंगी तरह समझ लग गई होएगी। हुण दूरा विस्थापन की है, जिस विच बच्चो दो धातां जिहड़ियां हैगी जां दो यौगिक जिहड़े हैगे आ उहनां विच स्थानां की अदला बदली हुंदी है। जिवें सोडियम सल्फेट ते बेरियम क्लोराइड है,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਤ ਨੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧਾਤ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਲਘੂਕਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਬੱਚੋ। ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕਾਪਰ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਾਪਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘੂਕਰਕ ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਹੈ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਪ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ। ਕਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਲੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਰੰਮ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ ਸੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਓ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਐਂਡ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲਕੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੀਕਰਨ ਇਹਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੱਸ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਚਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਫੈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस करके की किया जाता कि आक्सीजन के नाल उहदा संपर्क ना हो, इस करके उन्होंने नाइट्रोजन नाल प्रभावित कर दिता जाता है। जो पैकटा विच इन्हों पैक किया जाता है तो उस विच नाइट्रोजन भी नाल भरी जाती है ता कि नाइट्रोजन उन्होंने कवर कर लेगी तो आक्सीजन इस तक नहीं पहुँच सकेगी, तो जिद नाल इन्हां वस्तुआं ये वस्तुआं समय तक खराब नहीं होणगियां। अगला प्रश्न है विच लोहे दीआं वस्तुआं नूं असीं पेंट क्यों करते हैं। सानूं सारिआं नूं पता है कि लोहा जिहड़ा हैगा वो जदों हवा ते पानी दे संपर्क विच आउंदा है तो उसके उपरली परत ते जंगाल लग जाता है, जो जिस नाल की होंदा है हौली हौली उसकी उपरली परत नष्ट हो जाती है तो घसदा रहिंदा घसदा रहिंदा है। जेकर असीं इसका संपर्क हवा ते पानी नालों तोड़ दईए तो फिर इसनों जंगाल नहीं लगता। तो पेंट करन दा मकसद भी यही है कि असीं इसका संपर्क हवा ते पानी नालों तोड़ना है जिस नाल जंगाल नहीं लगता अते लोहा घसन तों बच जाता है। उस तो बाद है बच्चे खोरन अते दुर्गंधता की होंदी है। दुर्गंधता समैल आउणी भैड़ी जी है ना, खोरन जिवें आपां जंगाल की गल की। खोरन की है, जदों किसी भी धात की उपरली परत नष्ट हो जाती है तो उसनू खोरन कहिंदे आ। तातां तो बनिया वस्तुआं सारिया बच्चों चमकीलियां होंदियां। लोहे के उपर तो आप हूँ ही गल करके हटे कि जो जंगाल लगता है तो भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, परत चढ़ जाती है, इसनू जंगाल लगना कहने। होर भी धातं है जदों वो तेजाब या नमी के संपर्क में आदि तो खोरन लग जाएँ। चांदी उपर काली परत, तांबे उपर हरी परत, ये आम उदाहरण हैं। खोरन के नाल बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं बच्चों, कई बार चीज़ा टुट जाए, पुल भी टुट जाते हैं। इस करके सानू खोरन तो बचा दे प्रबंध करने चाहिए, जिवें पेंट करना, तेल या ग्रीस लगाना, जां किसी होर धात की परत चढ़ाना। इस तरीके नाल दुर्गंधता है बच्चों, जदों बहुत लंबे समय तक तेल या चर्बी युक्त पदार्थ रखे जाते हैं तो बदबूदार हो जाते हैं, तो उन्होंने रंग या गंध स्वाद में भी बदलाव आ जाता है, इसनू दुर्गंधता आखते हैं। इस करके इसनू रोकण दे लई असीं फ्लशिंग विद नाइट्रोजन एक टॉपिक है, भाविक प्रबंध है, जिस विच असीं नाइट्रोजन दे नाल उसनू प्रभावित करते हैं, जिस नाल वो चीज़ां जिहड़ियां हैगियां काफ़ी देर तक सुरक्षित रह जांदियां अते खराब नहीं हुंदियां। मैनूं उम्मीद है तुसीं बच्चो अज दा जिहड़े भी प्रश्न उत्तर आपां कीते हन उन्हां नूं चंगी तरह जाण लिया होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार गुरशरण सिंह जी, डिप्टी डीओ कपूरथला, श्री दविंदर कुमार जी पप्पी, DM कपूरथला, सारे साइंस टीचर्स, धन्यवाद।